Hi guys, what's up? Welcome or welcome back to my YouTube channel. I hope you all are safe and doing well. So today's video is all about my earring collection. Yes guys, और आज वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो भी मेरे पास earrings हैं and I have a lot of earrings, a huge collection of my earrings. उसमें जम ज्वेलरी भी है और मेरे झुमके भी हैं and hoops भी हैं, सब कुछ, मतलब जितने भी types के मेरे पास earrings हैं वो सब मैं आपको आज के इस video में दिखाने वाली हूँ. Of course आपको title और thumbnail से तो पता चल ही गया होगा. So अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं सो डू सब्सक्राइब माई चैनल राइट हियर एंड क्लिक द बेल आइकन ऑल्सो. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. आज मेरे पास जितने भी इयररिंग्स हैं वो सब हैं मेरे इस वैनिटी बॉक्स में एंड मैं आपको दिखाने वाली हूँ इसमें जो भी मेरा कलेक्शन है इयररिंग्स का वो सब इसी में है एंड इट्स वेरी यूजफुल. मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, लाइक इसकी वजह से मेरे जो सारे कलेक्शन है ना इयररिंग्स का वो स्टेबल रहता है इसी के अंदर एंड मुझे कभी भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती. बट इसके होते हुए भी गाइज, मतलब ऐसे कुछ इयररिंग्स हैं जो मुझे अभी मिले नहीं हैं, मैं उन्हें रख के भूल चुकी हूँ और वो मुझे मिला ही नहीं. सो वो अगर नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी मैं आपको ये सारे इयररिंग्स अपने वेयर करके दिखाऊंगी लाइक ये कैसे लगते हैं मुझ पर. सो यस, नेक्स्ट वीडियो भी आने वाली है जल्दी. जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए. सो यस, इसको अब हम ओपन करते हैं और मैं आपको अपना पूरा कलेक्शन दिखाती हूँ. सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी यू नो सबसे क्यूट छोटू वाले इयररिंग से, फिर बड़े वाले इयररिंग. सो आई हैव दिस क्यूट सब पेयर ऑफ इयररिंग्स, स्टड्स आई मीन, राइट हियर एज यू कैन सी. और ये बहुत क्यूट एंड गाइज यू नो फ्लावर्स हैं एंड आई लव देम सो 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 मच. सो दिस इज द फर्स्ट वन. अब मैं काउंटिंग नहीं करूँगी, मैं आपको जस्ट यू नो वन बाय वन दिखाती रहूँगी. एंड द सेकेंड वन इज दिस. ओ ये इसमें टैंगल्ड है, वेट वेट, या राइट हियर. सो द सेकेंड वन इज दिस एंड ये मेरे फेवरेट हैं. ये बटरफ्लाई वाले इयररिंग्स, और जब इयररिंग्स एक दूसरे में टैंगल हो जाते हैं ना उन्हें अलग करना तो इम्पॉसिबल हो जाता है. सो मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ. सो या ये कुछ ऐसे हैं एंड आई लव इट सो 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 मच. बहुत प्यारे लगते हैं गाइज, इट्स वेरी प्रिटी. एंड द थर्ड वन इज वेरी क्यूट, वेरी डेंटी, बहुत डेंटी एंड आई लव देम सो मच एंड वेरी लाइट वेट. सो यस, दिस इज हाउ इट लुक्स. और ये मैंने यू नो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर से लिए थे एंड आई एम सो हैप्पी दैट मैंने ये बाय किया. यू नो जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना मुझे वहाँ से एक पेयर ऑफ इयररिंग तो हमेशा ही चाहिए होता है. सो एंड नेक्स्ट आई हैव अगेन बटरफ्लाई वाले इयररिंग्स लाइक दिस. दिस क्यूट क्यूट कलरफुल, इस पर बटरफ्लाई बनी हुई है एंड यू नो जब भी आप किसी भी डायरेक्शन में ऐसे घूमते ना तो उसमें से अलग ही कलर रिफ्लेक्ट होता है. सो आई लाइक द यू नो इसका ये वाला जो पार्ट है. एंड नेक्स्ट आई हैव दिस क्यूट छोटू से इयररिंग्स एज यू कैन सी एंड ये यू नो पार्टी वेयर टाइप है एंड आई लव इट सो मच. बहुत ज़्यादा ग्लिटर ग्लिटर है सो ये अच्छे लगते हैं मुझे. एंड द नेक्स्ट वन इज आई हैव दिस ब्लू कलर के इयररिंग्स जो बहुत क्यूट एंड छोटू से हैं एंड अभी लिटरली मेरे आगे पूरी इयररिंग्स की दुकान लगी हुई है. सो मैं आपको जल्दी जल्दी से दिखा रही हूँ. ये रहे मेरे इयररिंग्स ब्लू कलर के, उनके ऊपर ये वाइट पर्ल है जो यू नो काफ़ी अच्छा लुक देता है इसे. एंड द नेक्स्ट वन आई हैव दिस इयररिंग्स, दिस इज ग्रीन कलर और ये भी मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं. यू नो वो बात अलग है, मैं इन्हें बहुत कम वेयर करती हूँ बट या मुझे अच्छे लगते हैं. And the next one I have which is very you know colorful, so yeah here it is. ये बहुत colorful है, बहुत प्यारे हैं. इनके नीचे जो ये ऐसे हैं ना colorful beads, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. And the next one I have is this tops. इसके साथ मेरा choker है जो बहुत ज़्यादा beautiful है guys. मैंने आपको अपने लाजपत नहीं sorry सरोजनी नगर hall में दिखाया था. मैं वहाँ से you know एक चोकर लाई थी, उसके साथ ही वाले इयररिंग्स थे एंड या दिस इज हाउ इट लुक्स. मैंने अभी तक इन्हें वेयर नहीं किया है बट सून आई एम गोइंग टू वेयर दीज. सो द नेक्स्ट वन इज दिस ब्यूटीफुल,
ऑरेंज कलर इयर रिंग्स जो बहुत यू नो वाइब्रेंट कलर में हैं एंड आई लव इट लव इट लव इट. मुझे ऐसे वाइब्रेंट कलर के इयर रिंग्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, लाइक दूर से ही दिख जाता है हाँ जी इयर रिंग्स पहने हैं मैंने भी. एंड नेक्स्ट आई हैव, इससे पहले मैं अलग अलग कर लेती हूँ, दिस छोटू से हूप्स जिनमें यू नो हाफ सेमी सर्कल बनाया है और ये बहुत लाइट वेट हैं. मैं इन्हें भी वेयर करती हूँ कभी कभी. नेक्स्ट वन आई हैव दिस इयर रिंग, अलग अलग हो जाओ. एंड या ये भी मुझे अच्छे लगते हैं. इनमें ऐसे काफ़ी सारे इयर रिंग्स हैं जो मैंने अभी तक नहीं पहने हैं और बहुत सारे हैं जो मैंने यू नो पहन लिए हैं और डेली बेसिस में तो मैं कोई से भी नहीं पहनती. सो द नेक्स्ट इयर रिंग दैट आई हैव इज दिस एंड आई लव इट सो मच. आई डोंट नो वाई बट मुझे अच्छे लगते हैं ये बहुत ज़्यादा. लाइट वेट भी है, इनका कलर भी काफ़ी अच्छा है, वेरी झूमर झूमर टाइप. एंड द नेक्स्ट इयर रिंग्स विच आई हैव इज दिस ब्यूटिफुल इयर रिंग्स. ये नीचे से पता नहीं इन पे मेरी लिपस्टिक लग गई है आई थिंक, बट पता नहीं कैसे मैं कभी कभी इधर उधर भी रख देती हूँ सामान तो वो टैंगल अप होके पता नहीं उस पर थोड़ा सा गंदा हो जाता है. वाइट पर्ल्स तो वैसे भी बहुत ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं. एंड या एंड मैं इन्हें लाई थी मसूरी से, वाह बहुत मज़ा आया था गाइज. तो आई बॉट दीज फ्रॉम मसूरी और ये मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, वेरी प्रिटी वेरी लाइट वेट. मुझे लाइट वेट इयर रिंग ज़्यादा अच्छे लगते हैं एज़ कम्पेयर टू हैवी वेट वाले. ओ हो कानों में दर्द हो जाता है. और नेक्स्ट इयर रिंग्स एंड दिस इयर रिंग्स, ओ माई गॉड गाइज, आपने सरोजनी नगर में, जनपद में एंड लाजपत नगर में आपने काफ़ी सारे ऐसे इयर रिंग्स देखे होंगे जो मतलब वाइट कलर में भी होते हैं ब्लैक में भी होते हैं, तो मुझे यू नो चाहिए थे बट आई गॉट दीज इन रेड कलर. मुझे अच्छा लगा, लाइक वाइट और ब्लैक तो सभी पहनते हैं, मैंने रेड अभी तक नहीं देखा था सो सडनली मुझे दिख गया एंड आई ग्रैब दीज. और ये भी बहुत लाइट वेट हैं और वैसे भी ये यू नो हैवी या कुछ किसी भी हैवी चीज़ से नहीं बने होते. ये पीछे इसके कुछ होता है वेलवेटी सा पता नहीं, बट ये बहुत सुंदर है गाइस. इसके बीड्स भी इतने अच्छे हैं. सो या मैंने सोचा ये मेरे वन ऑफ माय न्यू पेयर्स हैं, सो मैं आज इन्हें वेयर करके अपनी वीडियो में दिखाती हूँ. और ये जो वीडियो इज़ ऑल अबाउट माय इयर रिंग्स, सो पता भी चल रहा है लाइक या इयर रिंग्स के बारे में आज वीडियो बन रही है बिकॉज इट्स वेरी ह्यूज आफ्टर ऑल. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इयर रिंग्स. एंड ये इयर रिंग्स भी मैंने ट्रेड फेयर से लिए थे. इनका डिज़ाइन मुझे काफ़ी यूनिक लगा था, लाइक मैंने ऐसे पहले कभी नहीं देखा ऐसे 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 बीच में से ही. और ये ऑरेंज जो बीड्स हैं ये भी थोड़े डिफरेंट और यूनिक से थे, सो दैट्स वाई आई ग्रैब दीज. और ये भी मतलब सारे ही लाइट वेट हैं, मैं आपको जो भी दिखाऊंगी. एंड द नेक्स्ट इयर रिंग विच आई हैव इज दिस कबूतर के फर वाले इयर रिंग्स. एंड ये अभी बहुत अजीब तरीके से टैंगल अप हो गए थे बट इट्स ओके, मैंने इन्हें अच्छे से अलग कर दिया है. ये भी काफ़ी क्यूट हैं और बहुत अच्छे हैं, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं ये. सो जी नेक्स्ट हैं मेरे पास ये बीड्स वाले इयर रिंग जिसमें एक ही पर्ल है और वो आराम से ऐसे गोल गोल घूम रहा है. अरे दीज आर ऑल्सो रियली रियली प्रिटी. एंड द नेक्स्ट इयर रिंग्स आई हैव, ये मुझे यू नो काफ़ी अच्छे लगते हैं पर्सनली, आई लव देम. आई डोंट नो वाई बट आई लव देम, लाइक कलर भी इनका अच्छा है, इनका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है, नीचे ऐसे एक हैंड बना हुआ है. सो ये भी बहुत अच्छे हैं, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं. नेक्स्ट वन इज़ माई सबसे छोटू वाले झुमके विच इज़ दिस ब्लू कलर के बीड्स वाले झुमके एंड आई लव इट सो मच क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं. एंड या इट्स वेरी प्रिटी, मैंने पता नहीं एक आगे पीछे ऐसा करके लगा रखा है जल्दी जल्दी, एक इधर है एक इधर है. सो नेवर माइंड, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इयर रिंग्स एंड विच इज़ दिस राइट हेयर. एंड ये बहुत प्रिटी हैं, ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, लगती है थोड़ा ऐसे ये जो आवाज़ आ रही है अभी से पता नहीं क्या कहेंगे छर छर, ये काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे. एंड मैंने यू नो हुप्स का अलग सेक्शन बनाया था, सो अब मैं आपके साथ थोड़े से हुप्स वाले इयर रिंग्स शेयर करती हूँ. सो दीज आर वेरी प्रिटी एंड ह्यूज ऑल्सो और ये बहुत ट्रेंडी हैं अभी. एंड यस, जब ये ट्रेंडी थे मैंने तभी लिए थे और ये अभी भी ट्रेंडी हैं. सो या और यस दीज आर इन कलर, थोड़ा ब्रॉन्ज कलर में है ये. एंड द नेक्स्ट विच आई हैव इज दिस
pretty 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 hoops which is not you know pearls वाले नहीं है जो मोती होते हैं ना इनमें वो लगे हैं और ये बहुत pretty लगते हैं guys wear करने के बाद you know अलग से ही दूर से you know चमचमाते हैं चमकते हैं and now I have this simple hoops simple silver color के hoops and now I have pink color के hoops which is very pretty काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे ये you know थोड़ा quirky look देने के लिए सो नाउ अब हम अपने यू नो थोड़े लंबे वाले इयर रिंग्स पे आ जाते हैं सो हेयर आई हैव दीज इयर रिंग्स जो सिल्वर और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है विच आई लव और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं लाइक यू नो बिल्कुल स्ट्रेट इयर रिंग्स ये वाले और नीचे झूमर झूमर सो काफ़ी अच्छे हैं ये भी एंड द नेक्स्ट वन इज थोड़ा सा गोलू मोलू सो द नेक्स्ट इयर रिंग्स इज दिस और ये पीछे से ऐसे ही मतलब यू नो फ्रंट से ऐसा लग रहा है ये कितने ज़्यादा हैवी हैं और पता नहीं मतलब बहुत हैवी लग रहे हैं बट ये बहुत ही लाइट हैं लाइक वेरी 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 लाइट एंड आई ग्रैब दीज फ्रॉम जनपद ये बहुत लाइट हैं और मुझे अच्छे भी लगते हैं लाइक ये रेड जो बीड है ना इसके बीच में ये काफ़ी अच्छा लगता है एंड नेक्स्ट इयर रिंग विच आई हैव इज दीज क्यूट मिरर वर्क वाले इयर रिंग्स और ये बहुत प्यारे हैं गाइज इसके साथ भी चोकर आता है वो भी बहुत ट्रेंड में था और ये मैंने सरोजनी नगर से लिए थे एंड या इसके साथ जो चोकर है वो तो मैं आपको बाद में कभी किसी वीडियो में दिखाऊंगी टाना सो दीज आर द नेक्स्ट वन एंड नाउ आई हैव दीज स्क्वायर शेप इयर रिंग्स अलग अलग कर लेते हैं दिस इज हाउ इट लुक्स इसमें भी काफ़ी सारे शेप्स ट्रेंड में आते हैं ना ओवल स्क्वायर एंड सर्कल तो हमेशा ही रहते हैं एंड रेक्टेंगल भी होते हैं एंड काफ़ी अजीब अजीब से शेप्स होते हैं स्टार हार्ट बहुत सारे होते हैं सो आई हैव दीज स्क्वायर और ये मैंने अभी तक आई थिंक वेयर नहीं किए हैं और जो मैंने आपको अभी इयर रिंग्स दिखाए थे ना वैसे ही मेरे पास बिल्कुल सेम है लाइक दीज ये वाले ब्रॉन्ज कलर में हैं एंड दीज आर इन डार्क सिल्वर कलर येस सो ये दो मैंने लिए थे सेम टू सेम एक ही शॉप से बट दोनों का कलर डिफरेंट है एंड डिज़ाइन सेम है एंड द नेक्स्ट इयर रिंग विच आई हैव इज दीज क्यूट एंड वेरी 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 प्रिटी इन कलर झुमकास ये बहुत प्यारे हैं गाइज आप देख सकते हो उनके नीचे मेरा फेवरेट कलर के मोती हैं पिंक कलर बेबी पिंक एंड द नेक्स्ट इयर रिंग विच आई हैव जो भी मतलब बहुत अच्छे हैं उसका तो पूरा ही सेट है गाइज सो या हेयर इट कम्स इसके साथ मेरा प्यारा सा नेक पीस है एंड टीका भी है मांग टीका एंड ये है इसके इयर रिंग्स जो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं लाइक इट्स वेरी क्लासी एंड फैंसी अगर आप यू नो बहुत हैवी सा या बहुत लाइट सा लहंगा पहने तो उसके साथ ही काफ़ी अच्छे से जाएंगे मुझे बहुत अच्छे लगे इनके नीचे ग्रीन कलर के बीड वाह मेरे पास आई थिंक ये एक ही ग्रीन कलर का इयर रिंग है एंड द नेक्स्ट वन इज दिस वेरी प्रिटी लाजपत नगर से मैं ये लाई थी आपको मैंने हॉल में भी शेयर किया था अगर आपने वो लाजपत नगर वाला हॉल नहीं देखा है और लाजपत नगर का व्लॉग भी नहीं देखा है सो मैं डिस्क्रिप्शन में यू नो लिंक दे दूंगी गो एंड चेक इट आउट सो दीज आर ऑल्सो फ्रॉम लाजपत नगर और ये बहुत प्यारे हैं जल्दी मैं इन्हें वेयर करने वाली हूँ और ये मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड द नेक्स्ट इज दिस क्यूट क्यूट पर्ल वाले हुप्स इयर रिंग्स जो काफ़ी प्रिटी हैं बहुत अच्छे हैं एंड नाउ मेरे पास सारे जो मेरे पास इयर रिंग्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं सारे बट अब है मेरे पास सबसे हैवी और नॉट दैट मच हैवी हैवी बट बहुत ज़्यादा बड़े वाले इयर रिंग्स और झुमके आई यू एक्साइटेड ये सो हेयर इट कम्स ये मेरे पास यू नो सबसे बड़े वाले जो झुमके होते हैं ना वो हैं आप देख सकते हैं अभी सो यस दीज आर द सबसे बड़े वाले झुमके मेंबर मतलब सबसे बड़े मेंबर ऑफ माय झुमका और इयर रिंग कलेक्शन एंड नेक्स्ट वीडियो गाइज आएगी जिसमें आपको ये सब वेयर करके दिखाऊंगी और ये कैसे लगते हैं कितना मतलब इनकी लेंथ है क्या है कैसे मतलब रिफ्लेक्ट करते हैं बहुत अच्छा लगेगा पहनने के बाद और मेरे कुछ इयर रिंग्स मुझे मिले नहीं हैं जैसा मैंने आपको बताया था
मुझे मिले ही नहीं, पता नहीं मैं कहाँ रख के भूल गई। सो यस गाइज, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो अ लॉट। मुझे बहुत मजा आया आप सबके साथ शेयर करके, एंड आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा मेरा इयर रिंग कलेक्शन देखना। एंड यस, आई होप यू लाइक इट। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना यार मेरी वीडियो, और सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में वेरी सून। सो या गाइज, I love you all. Bye bye.